ओह शिट, ये है रात की ब्यूटी यार। मतलब दिन में यहाँ पे कोई आपको नहीं लगेगा कि इतनी अच्छी चीज है, पर रात को देखो। बहुत सुंदर है यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंदौरी चटोरे। सो फाइनली चार रीटेक के बाद ले लिया। और जैसा बताया था पिछले एपिसोड के लास्ट में कि कुछ स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल आने वाला है, और वो तो वो चीज हमारी इंप्लीमेंट हो चुकी है। हमारी उनसे बात हो गई थी और तो उन्होंने बोला वो चीज हम आपके लिए लाए हैं आज। क्या है वो चीज, तुम्हें बताओ? वो चीज हम बताएंगे बैक कैमरे से। चलो चलते चलते बताएंगे। सो गाइज, हम लोग यहाँ आ चुके हैं और ये है द ब्लैक पर्ल। और मैं बोलूँ ब्लैक पर्ल, ये जो रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट बेसिकली एक बोट के फॉर्म में है। मतलब पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन आपने देखी होगी, तो उससे आप इसको थोड़ा सा कर सकते हैं कि ये जो पूरा बना है ये एक शिप के फॉर्म में, बोट के फॉर्म में है। और ये बड़ी बात यह है कि ये सेंट्रल इंडिया का तो पहला ही है, और इंडिया का भी मेरे हिसाब से तो दूसरा या तीसरा ही होगा। एक तो बैंगलोर में है और ये शायद दूसरा इंदौर में खुल चुका है, दूसरा ही है। मतलब देख बहुत अच्छा रहा है गाइस। अब मेन जो अपना काम रहता है खाना। हाँ, खाना भी टेस्ट तो करेंगे अच्छा, पर इंटीरियर भी जिस हिसाब से हम बाहर से देख रहे हैं हिसाब से अंदर से लग रहा है कि काफी अच्छा हो सकता है। गाइस बहुत अच्छा दिख रहा है एक्सटीरियर तो अच्छा है, अब इंटीरियर देखते कैसा है। गाइस ये है ब्लैक पर्ल, और ये देख के आपको समझ में आ ही गया होगा स्कल। तो तन्मय जाते हुए आप एक बार दिखाइए लोगों को। हाय 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 हाय, काफी ज्यादा सही लग रहा है यार ये तो। चलो तन्मय फिर अंदर चलते चलते बताओ और क्या। ये जो पूरा लुक दिया गया है, पूरा ऐसा शेप दिया गया है, बहुत अच्छी चीज है। इंदौर में इतना इनोवेशन हो रहा है। ये है, ऐसा लग रहा है कि हमें सेम शिप में आ गए हैं। कोई बिल्कुल सही कह रहे हो तन्मय आप। तो हम आ चुके अब ऊपर। सो गाइस यहाँ पर दो लेवल में इन्होंने बनाया गया है। बताइए, बैक कैमरा से बताते हैं। ये एक डाउनस्टेयर से, ये तो और एक अपस्टेयर से। तो पहले डाउन वाले को चल के देखते हैं। देखो कांच में अपन दोनों भी दिख रहे हैं यहाँ पे। यार मतलब इंटीरियर तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है इसका। आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल की पूरी व्यवस्था की गई है, पूरी स्क्रीन आप बैठ के देखो आओ। मतलब तन में इंटीरियर को अगर रेट करना चाहो तो इंटीरियर को मैं रेट करना चाहूंगा आउट ऑफ 10 9। मतलब और अच्छा हो सकता था, बट जितना भी किया है बेस्ट है। ये देखो ये लुक है, जैसे कि डाउनस्टेयर्स तो देख लिया आप लोगों ने, अब बारी आती है अपस्टेयर्स की। आइए मीर जी, आइए जी। सर आ रहे आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है यार। चाहो तो यहाँ पे टाइटेनिक वाला पोज भी दे दो एक बार। क्यों तन, मैं देना चाहोगे क्या एक बार? ये भी अच्छा है मतलब, बट नीचे ज्यादा अच्छा है। हाँ नीचे का तो जो था यार, क्या चल रहा है आजकल? बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। ओह कैंडल्स लगी है, जस्ट फॉर कैंडल लाइट डिनर। ओके यार गाइस, जैसा तन्मय ने आपको बताया इंटीरियर के बारे में, काफी अच्छा इंटीरियर लगा। तो अब अपन वो करेंगे जो अपन करने आते हैं, जो अपना जो नाम है इंदौरी चटोरे। तो अब बारी है फूड टेस्टिंग की। फूड टेस्ट करके आप लोग को बताएंगे कि यहाँ का टेस्ट कैसा है और क्वालिटी कैसी है, और आपको फूड के लिए यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं। भूख लगी है। हेलो गाइस, जैसा भी आपने टाइमर्स देखा होगा काफी अच्छा लगा आपको तो बताना। तो अब बारी है टेस्टिंग की, मेन जो काम है। तो सबसे पहले अभी हमारे पास है, चलो तब मैं दिखा दे थोड़ा सा क्लोजर आके। आप ही दिखाइए,
ये है पनीर मखमली। पनीर मखमली दिख पा रहा होगा कि नहीं, थोड़ा सा मैं ट्राई जरूर करूंगा दिखाने का। ये है पनीर मखमली। तो तन्मय टेस्ट करो, हाँ बताओ कैसा लग रहा है। तो मैं भी बैठता हूँ। दिखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट है। एकदम अगर इंदौरी मोल तो एक नंबर भाई। ब्लैक पलाव सबसे पहली डिश है, पनीर मखमली रिकमेंडेड है भाई, खाओ बस। बिल्कुल आओ खाओ, और बाहर हो तो इंदौर आके खाओ, बस खाओ यार। इंडिया का सिर्फ दूसरा है, इंदौर का पहला, सेंट्रल इंडिया का पहला मात्र दूसरा है, तो यार ट्राई करना तो बनता है एक बार। आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा। पानी तो आ रहा होगा। और अभी आपने फोटो में देखा होगा कितना अच्छा लग रहा था। डिश इट इज चीज पनीर गार्लिक रोल, मतलब तीन चीजें हैं और उसके ऊपर रोल करा हुआ है। तो यार एक बार दिखा देते हैं, तब भी फोटो देख लिया होगा, पर फिर भी एक बार दिखा दो। चलो इस वजह से हाथ में पकड़ सकते। चलो अब टेस्टिंग की बारी है हमारे एक्सपर्ट नीतिल जी। अरे 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 कितना मतलब सॉफ्ट लग रहा है यार। चीयर्स सर। चीयर्स गाइस। प्रॉपर पनीर गार्लिक और चीज, मतलब जहाँ पर भी आज तक रोल खाया है ना, बस वहाँ पर ये प्रॉब्लम होती थी कि आउटिंग जो रहती है वो थोड़ा जला हुआ लगता था। इसमें एकदम क्रिस्पी है, और अगर मैं बाहर से देख पाऊँ तो प्रॉपर तरीके से इसको पूरा अच्छा फ्राई करा हुआ है, और टेस्ट जो आना चाहिए वो पूरा पूरा उठ के आ रहा है। रेकमेंडेड। ये भी रेकमेंडेड, 10 out of 10.5। तो गाइस अभी अपन ने थर्ड डिश है पनीर नसेबन। मतलब नाम से तो थोड़ा सा अटपटा लगा था, पर दिखने में काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा है। तो इसकी भी टेस्टिंग करके बताते हैं। काफी ज्यादा मतलब सॉफ्ट चीजें जो भी है। Cheers. तीन डिश खाई है उसमें से बेस्ट। तो यार गाइस अभी यहाँ तक हो गया था, अभी और ऊपर आ जाएगा। इतनी अच्छी अच्छी डिशेज आई, जैसा अभी फोटो आपने देखा, आज की हमारी फुल एंड फाइनल डिश है तंदूरी आलू और मलाई सीख कबाब। और अभी हमको पता चला कि ये डिशेस अब मेन्यू कार्ड में आएंगी। हाँ मतलब ये चीज़ स्पेशली हमसे टेस्ट करेंगे, उसके बाद अब मेन्यू कार्ड के लिए। मतलब बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। तो ये टेस्ट करके बताते हैं पहले। आलू आलू पनीर, आलू है उसके अंदर, पनीर की स्टफिंग है, अपने आप में ग्रेट इनोवेशन। मतलब यहाँ पर जो भी डिश हमने टेस्ट करी है उसके अंदर जहाँ पर भी पनीर आया है, पनीर में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है, भरपूर पनीर दिया गया है, और बहुत सॉफ्ट पनीर, मतलब एकदम फ्रेश। वही अपन ने पहले जो मेंशन किया था, हाइजीनिक फूड जो है। अब मलाई सीख कबाब की बात, बहुत सॉफ्ट है। कॉर्न भी अंदर टेस्ट
अरे यार चीयर्स भाई। अभी तक जो भी खाया ना सब भूल जाओगे यार। बेस्टेस्ट एवर सब हमने ये चैनल बनाया। मैं तंदूरी आलू को तो 10 में से 10 देना चाहूँगा, पर मलाई सीख कबाब डिजर्व 20, 10 out of 20 मेरी तरफ से 50। बहुत सही चीज़ है यार। ब्लैक पर लाओ, एक अगर अलग एक्सपीरियंस चाहिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, किसी के भी साथ आ रहे हो, ब्लैक पर लाओ। ये अपना इधर नाके पे स्टार चौराया है, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे एंबियंस देख के तो आप खुश हो ही जाओगे। बहुत सही टेस्ट तो भैया लाजवाब। टेस्ट तो ओवरऑल रेटिंग अपनी 10 में से 30 हो गई होगी। तो चलो मिलते हैं, एंडिंग के साथ मिलेंगे। ओ शिट, ये है रात की ब्यूटी यार। मतलब दिन में यहाँ पे कोई आपको नहीं लगेगा कि इतनी अच्छी चीज़ है, पर रात को देखो बहुत सुंदर है यार। मतलब यहाँ पे डाइन का जो एक्सपीरियंस होगा ना आपका, मतलब आप तो देखते रह जाओगे यार ये कहाँ आए हैं। बस यार गाइस, तो फिर फ्रंट कैमरा करो तन में जी, अपनी रोज वाली बात। तो यार गाइस बहुत अच्छा दिख रहा है यार, बहुत मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है। पहला तीन चीजें, हाँ अच्छा दिख रहा है, अच्छा व्लॉग बना है, और टेस्ट तो लाजवाब। टेस्ट के बारे में मत पूछो, बता चुके कितना अच्छा था यार। अपना वो कौन सा था, मलाई सीख कबाब। मलाई सीख कबाब भाई, मतलब तो फ्लैट हो गया यार ये तो। फिर से आऊंगा खाने के लिए, ये तो पक्का है। तो अपनी वही हर बार वाली बातें। सो गाइस अब जाने का टाइम आ गया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट और नीचे, और थोड़ा सा और नीचे जाके कमेंट करो। कमेंट करो, वीडियो एंड होता है तो भी सब्सक्राइब आ जाता है, पुराने वीडियोस पे व्यू ला सकते हैं। पुराने वीडियोस आप देखोगे आप बोलोगे कैसे पागल थे यार, बट खाने के पीछे तो पागल है ही। थोड़ा सा ट्राई करेंगे हमारी तरफ से अच्छा करें। एड्रेस जो है सबसे बड़ी बात, एड्रेस स्टार चौराया मिहिर बताएंगे। हाँ। स्टार चौराया से जैसे ही आप देखोगे लेफ्ट में आपको एक बहुत बड़ा सा शिप दिख जाएगा। ओके बस पहुंच जाओ, ब्लैक पर्ल नाम है, काफी सही जगह है, फूड को 10 out of 30 ऑन एन एवरेज। ईमानदारी से बताए तो यू विल नॉट रिग्रेट। आपको पूरा पैसा वसूल है, पूरा वसूल है, सब कुछ वसूल है। चलो अब निकलते हैं, चलो गुड नाइट, बाय, टेक केयर, सी या नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।